नमस्कार, अब खबर कोरिया से। जिला कोरिया के खड़गवा क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन एक 8 वर्षीय बच्ची जिसका नाम अंजलि है शनिवार शाम 6 बजे से अपने घर से लापता हो गई है। एक दो घंटे पश्चात बच्ची के घर वाले माता पिता खोजना शुरू करते हैं, लेकिन रात भर खोजने के बाद भी बच्ची नहीं मिली। खड़गवा क्षेत्र के महामाया मंदिर के समीप रामबचन सिंह नामक व्यक्ति रहता है, जिसकी पुत्री शनिवार दिन स्कूल से पढ़कर आई। आने के पश्चात अपनी बहन के साथ मंदिर माताजी के दर्शन को गई। माँ के दर्शन के पश्चात वह पूर्ण अपने बहन के साथ घर आ गई। घर आने के एक घंटे के बाद लड़की ना जाने कहाँ चली गई। उसके माता पिता और परिजन रात भर उसे खोजते रहे, रात भर नहीं मिली। अंजलि नामक 8 वर्षीय बच्ची नहीं मिली, जिसकी सूचना उसके चाचा ने खड़गवा दर्ज करवाई थी। दूसरे दिन रविवार को बच्ची के चाचा के द्वारा बताया गया कि बच्ची का शव महामाया मंदिर के 500 मीटर की दूरी पर है। बच्ची के का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित किए गए हैं, जिसे लड़की की हाथापाई तथा पर उसकी चूड़ी टूटी हुई थी, गले की माला टूटी हुई थी। लड़की का शव छिन्न भिन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। चिरमिरी CSP को पता चलते ही वह अपनी पूरी टीम के साथ जांच में जुट गए। वहीं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर SK सिंह सरगुजा रेंज ने आकर पूरी तरह जांच के लिए जर्मन डॉग को भी बुलाया गया, लेकिन महामाया मंदिर के हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होने के कारण वह आरोपी को खोज ना सका। वहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि महामाया मंदिर में कितनी भीड़ होने के कारण थाना प्रभारी के द्वारा ना तो पुलिस का वह कोई छावनी लगाई गई और ना ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस का स्टाफ लगाए गए थे। इन्हीं कारणों से ग्रामीण जनों ने पुलिस के प्रति आक्रोश है। बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी खड़गवा जांच में जुटी है। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे जल्लाद अपराधी को कब पकड़ पाती है। कोरिया से चैनल लाइव के लिए सुजीत शाह की स्पेशल रिपोर्ट।